हर बार की तरह इस साल भी गणपति बप्पा की स्थापना हमारे घर में होने वाली है सुमा। ये तो अच्छी बात है ना, बप्पा जी का आगमन हमारे घर में होने वाला है। अच्छी बात तो है, पर मुझे बहुत काम करना पड़ता है। रो मत, करती हूँ मैं तेरी हेल्प काम करने में। थैंक यू सुमा। वेलकम वेलकम टू आवर ब्रांडेड हाउस। मैं ब्रांडेड, माई नेम इज सुमित्रा। ये है सुमित्रा दीदी का घर। माई हस्बैंड इज ब्रांडेड, हिज नेम सुशील, आई कॉल हिम सुशो। हेलो ब्रदर, नाइस टू मीट यू। मैंने तुमको नहीं बताया सुमित्रा दीदी के और उनके फैमिली के बारे में, सुशील के बारे में। तुम तो सुशील को जानते हो शायद। Yeah, I know you told me. My daughter is also branded. Her name is Anushka. Right now she is in college. शाम को she is coming. Branded, huh? I like it. Who is she? Oh, sorry, I forget about that. She is my mother-in-law. And her name is... Amra naam matle. She is also branded. No, she is not branded. मुझे आपकी branded family बहुत पसंद आई। हिंदी आती है तुमको? Actually, मेरे parents Indian है। वो क्या है, मैं वहाँ पे पला बड़ा। So I just... ओहो जेनी, क्या पकड़ा है? दीदी, मैं रॉकी को शर्मिला जी से मिलवाती हूँ। उन्होंने भी बुलाया है मुझे। हाँ, वो भी हाँ। सब वेट कर रहे होंगे तुमसे मिलने के लिए। कम। ए बौरिया, इनकी क्या सगाई हो गई है या शादी करके आए? जेनी, रुको जरा। व्हाट्स हैपन दीदी? एंगेजमेंट हो गई क्या? नो दीदी, अभी तक एंगेजमेंट नहीं हुई। नहीं, अभी तक नहीं हुआ। ईबा, बिना सगाई के एक साथ रहते? मम्मी, फौरन में यह सब चलता है। हाय दया, ये कहाँ देख रहे हम? ये अच्छा नहीं। सासू माँ कर लेंगे एंगेजमेंट, इतनी क्या जल्दी है? उनकी मर्जी, उनकी लाइफ। चुप कर, कहा हुआ अगर बाहर रहते तो ऐसा चलता है क्या? छी 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 छी, जिन्होंने तो सिक्सरी मार दिया। बहुत बहुत अच्छा हुआ जेनी के साथ, बेचारी बहुत नाराज होके गई थी यहाँ से। अब देखो कितनी खुश हम खुश होके आ गए। लड़का भी बहुत अच्छा है। हेलो स्वीट डैडी। आओ फौरन की भाभी जान। बेबी आओ। हेलो। आओ आओ आओ, बैठो तो बैठो, बैठो ना, इधर बैठ। ओ दादी, चोरी चोरी चुपके चुपके किया तूने लफड़ा। लफड़ा, व्हाट इज दैट? प्यार। क्या बात है, अचानक कैसे हो गया ये? एक्चुअली वो पिछले 5 सालों से मुझे लाइक करता था, पर कभी सामने से आके नहीं बोला। जब मैं इंडिया में 2 मंथ्स के लिए आई थी, तब उसके साथ मेरा कनेक्शन टूट सा गया। फिर उसको रियलाइज हुआ कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। जैसे ही मैं वहाँ पे गई, उसने मुझे प्रपोज कर दिया और मैंने भी यस कर दिया। और इसके साथ तुम्हारी जोड़ी भी काफी अच्छी दिख रही है। क्या तुम उस अभिजीत के पीछे पागल हो गई थी? शर्मिला जी, इट्स ओके। उसको अभिजीत के बारे में मैंने सब बताया है। तुमने इसको सब बता दिया अभिजीत के बारे में? यस, हमने एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाया। हमारा रिलेशन एकदम ओपन है। मान गई मैं तुझे, मान गई। अगो भाई, कुछ ज्यादा ही खुला है इनका रिलेशन। स्वीट दादी, मैं अभी चलती हूँ, मुझे ऊपर भी जाना है जोया स्टारबॉय के पास। आजा, बाय रॉकस्टार रॉकी। लेट्स गो बेबी। आज तक सोसाइटी में बस कैट फाइट होती थी, आज के बाद डॉग फाइट भी होगी। कैट फाइट का अर्थ लेडीज लोगों की फाइट और डॉग फाइट का अर्थ जेंट्स लोगों की फाइट। ये बात की तूने एकदम राइट। पिन ड्रॉप साइलेंस आई नीड। कल से गणेश उत्सव शुरू हो रहे हैं, तो आप सबके वेकेशन स्टार्ट हो जाते अगले 10 दिनों के लिए। यप्पी! आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार तो मजा आएगा, सोसाइटी में बहुत बड़ा गणेश उत्सव होने वाला है। यार, मुझे तो अब वेट नहीं हो रहा। हमने तो क्या क्या सोचा इस बार गणेश उत्सव में, बहुत सारा प्लान किया है, सब वैसा ही होना चाहिए। हमने जो गणेश उत्सव का बैनर बनाने के लिए डाला था वो हो गया है। अच्छा, दिखाओ ना। अभी नहीं दिखाऊंगा मिस रिया, जब हम सोसाइटी में जाएंगे तब दिखाऊंगा। शर्वरी जोया, आओ ना जोने। रॉकी, ये शर्वरी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हेलो। वाओ, हेलो ब्यूटीफुल लेडी। आओ जेनी। एंड ये है जोया, ये भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हेलो। वाओ, शी इज आल्सो ब्यूटीफुल। हेलो ब्यूटीफुल लेडी। रॉकी,
डियर विजीत जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था। ओह या आई नो। अभिजीत तुम कोई टेंशन मत लो, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मैंने सब रॉकी को बता दिया है। क्या बात कर रही हो जेनी, तुमने सब कुछ बता दिया? यस शर्वरी, हमने एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाया, जो भी है सब सच है। वाओ जेनी, मुझे ये जानकर काफ़ी अच्छा लगा, तुम्हारा रिश्ता किसी झूठ की बुनियाद पर नहीं टिका। झूठ की बुनियाद पर बनाया हुआ रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ता। कॉन्ग्रेचुलेशन, हम कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे जोया। सोसाइटी में अभिजीत को टक्कर देने के लिए कोई आ ही गया। बाय द वे, मैं एक बात बोलूं, प्लीज बुरा मत मानना जेनी, बट आई थिंक तुमने अपने आंखों के ऊपर पच्ची बांध दी थी जब इसके साथ प्यार किया। एक्सक्यूज मी, तुमको सुनाई नहीं दिया? मैं और जोर से बोलूं? हाँ बोलो बोलो, जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। बात आगे मत बढ़ाओ, यहीं पे खत्म कर देते हैं इसको। जेनी बहन। यस शशी बहन, अगर बातचीत हो गई तो चलो हमारे यहाँ पे। या हम आते हैं, मिलके डोग लगाएंगे। आपको आना है सबको? नहीं हमको नहीं आना, हमारे पेट भर गए। कोई बात नहीं, चलो। रॉकी लेट्स गो, उनके हाथ का ढोकला बहुत अच्छा होता है। और बीजे क्या है ये, वो सोसाइटी में नया आया है ना? तो उसने जैसे बोला मैंने उसको वैसे रिप्लाई दिया। शर्वरी मुझे ऐसा लगता है सोसाइटी का इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, जैसे हम दोनों दोस्त बनने से पहले दुश्मन बने, वैसे ये दोनों जिगरी दोस्त बनने से पहले दुश्मन बनने वाले। एकदम बराबर, देखते। मामी का कॉल आया था, मामी बोली जेनी मौसी भी वापस आ गई गणेश उत्सव में। वाह ये तो काफी अच्छा हो गया, जेनी मौसी भी आ गई, बहुत मजा करेंगे हम। वो अकेले नहीं आई है, मामी बोल रही थी जेनी मौसी के साथ उनका बियर भी आया है। ये दोनों तो अपनी मम्मी पे ही गई है, वैसे मैं भी गया अपनी मामी पे। पर उनका तो अभिजीत के साथ लफड़ा था ना? जेनी मौसी करती थी उन्हें प्यार, वो नहीं करते थे उनको। अच्छा। हेलो वर्षपन अंकल। आओ बच्चों, लग गई तुम सबको छुट्टियाँ? हाँ। विकास दिखाओ ना, वो दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। शांत शांत दिखाओ जल्दी विकास। अरे शांत ना, दिखाता हूँ। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, लगता है तुम सबका कोई बहुत बड़ा प्लान है। हाँ बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। माँ मैं आ गया। आओ आओ बेटा। अबू भाई आप जल्दी आ गए आज? हाँ वो कल गणेश उत्सव है ना, तो बॉस ने आज जल्दी छोड़ दिया सबको। बरे था भाई, बहुत सारा काम करना है, डेकोरेशन करना है, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। आपको पता है आज सोसाइटी में बहुत बड़ा धमाका हुआ। शुरू हो गई एफएम रेडियो। क्या हुआ धमाका? जेनी आई, वो तो आ नहीं थी, साथ में बॉयफ्रेंड लाई। हुआ ना धमाका? बॉयफ्रेंड, क्या बात है, मैं हाथ पैर धो के आता हूँ। दसवा कौन अच्छा है, अभिजीत या जेनी का बॉयफ्रेंड? अरे क्या कहा वो रॉकस्टार रॉकी, और कहा ये मेले का पुस्ता बम। इस सोसाइटी में रॉकस्टार रॉकी के बाद और कोई हैंडसम नहीं सिवाय मेरे बेटे के। ये देखो देखो, मैनर्स नाम का चीज है, खुद के पति के ऊपर हंस रही है। मामी मैं आ गई। ओ है अनुष्का, ओ है जेनी मासी। मामी मैं जा रही हूँ। मम्मी मैं आ गई। मम्मी मैं जा रही हूँ। वाह मुझे अच्छा लगा तुम दोनों टाइम पे आ गए। तुम लेट हो। सॉरी। तो चलो शुरू करते हैं प्लानिंग। अभी गणपति बप्पा की स्थापना तो हमारे घर में होगी, पर हमारे घर में इतनी जगह नहीं कि इतने सारे लोगों को एक साथ बुटा के कोई फंक्शन कर सके, तो हम फंक्शन सोसाइटी के हॉल में करेंगे। और सोसाइटी हॉल का डेकोरेशन करने के लिए हमें चाहिए होंगे चुटकी पैसे। क्या सोसाइटी के लोग देंगे? मांग के तो देखते कितना मिलता है, उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। चलो लोग हो गए, और मुझे ऐसा लगता है इतने पैसे काफी हो जाएंगे।
गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या।